YouTube चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, काफी बार स्टूडेंट का पूछना था कि सर, हम रिपीटर का फॉर्म फिल कर रहे हैं लेकिन डेट लैप्स बता रहा है, तो सर हमारे रिपीटर के फॉर्म का क्या डेट है? हम FY के हो या SY के हो या TY के हो या MCOM के हो या MSc के स्टूडेंट हो, सर हमारे रिपीटर के फॉर्म फिलअप करने का डेट क्या है? तो दोस्तों, मैं सब चीज इस वीडियो में बताऊंगा, खासकर MCOM पार्ट 1 के लिए भी, जिनका परसों के दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और जिन स्टूडेंट को उनको KT लगी उनको क्या करना है। तो यार प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, और जितने भी नए दोस्त इस वीडियो में जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। वादा करते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और इसी तरीके से प्यारी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आपके मोबाइल तक आए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बाजू के बेल आइकन को दबा के ऑल पे करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और दोस्तों इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं FY BA और FY BCOM के स्टूडेंट की। तो क्या ये दोस्तों अभी भी इनका रिपीटर का फॉर्म ये फिलअप कर सकते हैं? तो दोस्तों, इनका डेट लैप्स हो चुका है, अब ये स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, FY BA और FY BCOM के स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, लाइन से जाऊंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं SY BA और SY BCOM। तो दोस्तों, SY BA और SY BCOM के स्टूडेंट का तारीख था 17 दिसंबर से लेके 22 तारीख तक। ये डेट में आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये डेट जा चुका है, तो अब आपके पास डेट है 23 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर, मतलब 4 दिन अभी भी बाकी है, लेकिन बस आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब एक सब्जेक्ट का अगर आपको KT है तो आपको 385 पे करना होगा, दो सब्जेक्ट में तो 605, तीन सब्जेक्ट में तो 1160 रुपीज आपको पे करना होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों TY BCOM के स्टूडेंट की। तो दोस्तों, TY BCOM के स्टूडेंट का भी सेम डेट है, 23 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक का है, मतलब 4 दिन इनके लिए भी अभी भी है। जिन दोस्तों ने अभी तक एडमिशन नहीं करवाया है वो जाके अभी भी एडमिशन करवा सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर सेम है, जैसे कि अभी आपको मैंने SY BA और SY BCOM में बताया हुआ था। अब बात कर लेते हैं TY BA स्टूडेंट की। दोस्तों, TY BA स्टूडेंट का भी सेम डेट अलोकेट किया गया है, 23 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक का है। इनका भी फीस स्ट्रक्चर एक ही दिया हुआ है, सीधा 1160, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जो सबसे खास और इम्पोर्टेंट है MCOM पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए। लेकिन MCOM पार्ट 1 के स्टूडेंट को ये सर्कुलर दिखाने के पहले इसके प्रीवियस जो सर्कुलर आया हुआ था वो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्रीवियस सर्कुलर ये था कि MCOM पार्ट 1 के स्टूडेंट जो रिपीटर का फॉर्म भर रहे थे वो 10 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक का था, और उसी के साथ साथ MCOM पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए भी 10 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक का था, और इनको एक्स्ट्रा फीस लेट फीस भर के ये स्टूडेंट 20 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब MCOM पार्ट 2 के स्टूडेंट भी अभी भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनके पास अभी भी 5 दिन का टाइम है। और इधर तो दोस्तों MCOM पार्ट 1 का डेट जा चुका है, लेकिन इनके लिए फिर से सर्कुलर आ चुका है, लेटेस्ट सर्कुलर MCOM पार्ट 1 का ये है। दोस्तों, आपका डेट चालू होता है 23 से लेके 28 दिसंबर। दोस्तों, इस दौरान अगर आपने एडमिशन करवाया, आपको एक भी रुपया ऊपर से देने की जरूरत नहीं है, कोई भी 100 रुपीस एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर 28 दिसंबर के बाद 29 से लेके 1 जनवरी के बीच में एडमिशन करवाया तो आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीस देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको एक सब्जेक्ट में KT है विद लेट फीस तो आपको 640 देना होगा, दो सब्जेक्ट में है तो 975, तीन सब्जेक्ट में है तो 1690। इधर आपके फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है, ये मैं जानता हूं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल जो एक है MCA। दोस्तों, इनका डेट था 7 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर। दोस्तों, इनका डेट ये वाला जा चुका है, लेकिन लेट फीस भर के ये भी एडमिशन कर सकते हैं, 24 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक का है, मतलब इनके पास भी 5 दिन का है। तो दोस्तों, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में बता दिया कि किनके पास कितना कितना टाइम है, आप अभी भी अपना रिपीटर का फॉर्म फिलअप कर सकते हो कि नहीं, आपका डेट लैप्स हुआ है कि नहीं, ये पूरे डिटेल आपको हर कोर्स का मैंने बता दिया है।
वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप किसी और कोर्स का डेट जानना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करना, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो जरूर बना दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।